सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइज ऐसा कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे भी है कमेंट करके बताइए। फाइनली इस प्लेन वाले का नाम देख लीजिए आप, पाकिस्तानी है और ये कितना बड़ा एक दो स्क्वाड समझ करीब जाओ में है, क्या ही बोलूँ। अभी मैं इन गेम आपको पता चलने वाला है कि सब पे भरोसा करो बट पाकिस्तानी पे भरोसा कभी मत करो। तो फाइनली हम लोग कोचिंग की आ चुके हैं और यहाँ पे दो स्क्वाड आ रखी थी, दो से तीन स्क्वाड, और साथ में है वेनम पैरा और टेकन विशाल और स्टेनर साउथ। तो सब अपने भाई लोग ही हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। और उतरते ही ड्रिंक विंक और VSS वगैरह मिल गई है और लेवल एक का बैग। तो ज़्यादा कुछ इधर तीन पांच नहीं करते, ठीक है, सीधा मेन मेन पॉइंट पे आते हैं। काफ़ी टाइम बाद हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, लाइव कस्टम मैचेस तो करा ही रहे थे और इस वजह से टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था कि हम कस्टम मैचेस करा के या मतलब कि अपना खुद का गेम प्ले अपलोड कर सकें। और इधर पर रैंक पुश वगैरह भी चल रहा था, तो रैंक पुश में हम इस टेनिस स्टार तक पहुँचे थे बट उसके बाद वापस आ गए, ठीक है। रैंक पुश से थोड़ा गेम बर्बाद हो जाता है, तो यहाँ पे एक बॉट आता है उसको मैं फिनिश वगैरह करता हूँ और काफ़ी तगड़ी लूट ला के देता है भाई। ये बैरल प्लस M4 और क्या चाहिए, कदम से बहुत प्रो वाला बॉट था ये, कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बॉट आया था उसको मार दिया और Kar98 मिली, बट अभी तो स्नाइपर की ज़रूरत है नहीं, असॉल्ट की ज़रूरत है, तो मैं मार्क वगैरह कर देता हूँ। और वहीं पैरा भाई के अगल बगल बंदे थे शायद, तो शायद उन्होंने बोला और भाई एक ही दिख गई, तो एक ही उठाएंगे और चलिए। तो पैरा भाई ने बोला कि अगल बगल कोई बंदे वगैरह हैं इनके, तो मैं बोलता हूँ बस वेट करो मैं आ गया। तो बस यहाँ पे इनके पास बोल लेते वेस्ट वगैरह नहीं है, तो वेस्ट नहीं मेरे पास, ओके मैं बोलता हूँ मैं आ गया, वेट करिए, बोले वेस्ट, तो मैं बोला ठीक है जाइए आप। और फिर मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। गन मेरे से ले ले, कैसा मज़ा आने वाला है आप खुद ही देख लो। एक वेस्ट कहीं दिला दे यार, ये कहां से लोगों के M4 मिल जाती है। आ जाओ उसी ड्रॉप की भी डेमो उठा दे, सब कुछ है उसी का, फुल अटैचमेंट। तो आपने सुना पैरा भाई क्या बोल रहे, तो वहाँ एक बंदा टीपीपी ले रहा था उसको मैंने नॉक को फिनिश किया और दूसरा बंदा था उसको बिल्डिंग से थोड़े बहुत शॉट लिए वो भी नॉक हुआ। वैसे उसका तीसरा टीममेट मेरे पे शॉट लिया, अगर वो शॉट ना लेता तो उसको उस पर पुश कर देता मैं जम करके। तो फाइनली वहाँ उसके बाद यहाँ पे फाइटें चल रही थी, मेरी टीम आ गई थी, इनसे फाइट ले रही थी और मैं बोल रहा था मैं क्लोजिंग करता हूँ, मुझे क्या पता ये बॉट है और अभी मैं ऐसे मरने ही वाला रहूँगा। एक बंदा रहता है रियल बंदा, वो बॉट के कपड़े पहन के आता है, उसको मजाक में मारने के चक्कर में इतना डैमेज दे देगा वो क्या ही बताएं। तो वो भी सीन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एकदम से टेंशन भरा ये मैच था क्योंकि लॉबी अच्छी थी, बहुत अच्छी लॉबी थी और मज़ा तो आई थी गेम में। और यहाँ पे भाई साहब एक ऊपर है ब्लू डस्ट कवाल, वहाँ एक बंदा था मैं उस पर शॉट वगैरह लेता हूँ और पैरा भाई एकदम फॉर्म में थे और ये भाई साहब इसी को मैं बॉट समझ लेता हूँ। देखो नाम उसका देखा भाई, क्या ही बताया जाए, ऐसे ऐसे बंदे हैं और यहाँ पे तीन बंदे रहते हैं और मैं यहाँ पे हील करने के लिए बैठ जाता हूँ पर सॉल ने भाई साहब एकदम से बवाल मचा दिया, एकदम यूजी से बवाल मचाया सॉल ने। तो करना क्या था भाई, मुझे क्या पता ऑल्टेड हुआ या नहीं, मैं तो अपना थोड़ा बहुत हील किया, चलो भैया लूटो। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लूट करते हैं, उसके बाद भाई जिस लेवल पे रैंक पुश चल रहा है ना, जल्दी उतार लाशक की तरफ बंदे उस लेवल पे क्या ही बताए, कितना तगड़े लेवल पे रैंक पुश कर रहे हैं, एक बंदे नहीं मिलते हैं। तो लूट उठ आपस में बांट लेते हैं, फिर आगे ड्रॉप हो रखा होता है तो यहाँ ड्रॉप को लूटते हैं और ड्रॉप में रहती है भाई साहब एमके, तो मैं एमके उठा लेता हूँ और इसके बाद जोन मिलिट्री साइड से ही आ रहा था, प्लेन मिलिट्री साइड से आया था और अभी जोन निकलने वाला था वहाँ, तो मैं बोलता हूँ चलो मिलिट्री ब्रिज, मिलिट्री का ब्रिज ब्लॉक कर देते हैं। किल चाहिए भाई तो यही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देर वेट आउट करते हैं हम लोग
जोन आने का, लेकिन जो है बंदे ना, बंदे आते ही नहीं हैं। तो हम बोलते हैं चलो कहीं और पुश करने चलते हैं। तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं और घुमाते घुमाते भाई फॉरम पे बंदे मिलते हैं, और ये क्या करते हैं भाई, खुद ही सुन लो। पहला भाई अभी क्या बोलेंगे सुनो आप। अभी सुनने मिलेगा लोग हैं यार ये। तो मैं तो पहले समझ भी नहीं पाया किस लिए पैरा भाई बोल रहे हैं ऐसा कुछ। मैंने MK4X के साथ उसको नॉक किया और मैं देख रहा हूँ कि कोई पुश नहीं कर रहा, तो मैं समझ गया गाड़ी का ब्लास्ट का सीन है, बट मैं कंफर्म नहीं था। तो मुझे जब आता हूँ देखता हूँ भाई गाड़ी ब्लास्ट है, और मेरा नेड लास्ट वाला थोड़ा सा दिक्कत दे देता है, अगर वो सही जगह ठिकाने पर चला गया होता तो एग्जैक्टली वो दोनों किल हो गए होते हैं। बट टेंशन की बात नहीं है, कम से कम दो किल आपका भाई यहाँ पे लेगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है जो मैंने किसी से सीखी नहीं है, मैंने खुद से ही की है, तो उसको देखो आप। यहाँ बैठना है, एक बार जंप करना है, फिर दो, जब जहाँ पे जंप करोगे आप लगातार कंटिन्यूसली दो बार जंप का बटन दबाना है, जंप क्लेम का एक साथ। तो उसके मेरे पे रहता है भाई से स्मोक, और स्मोक में फेंक देता हूँ, उसके बाद गन निकालता हूँ। क्या नहीं बनना चाहिए, बंदे का तो भाई सारे किल्स मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक पाकिस्तानी बंदा, जिससे बड़ा बेकार बंदा कोई नहीं है। और यहाँ मेरे टीममेट वगैरह, उनकी बातें सुनो आप लोग क्या बोलेंगे। मैं एकदम टाइट हो गया लूटता हुआ यार, मैं लूट लो एकदम टाइट होके, उसके बाद ही कुछ सीन होने वाला है। तो सीन क्या होने वाला था देखो आप, क्या मेरे टीममेट्स बोल रहे हैं। अरे आप कान इंडिया चला रहे हैं तो उनके पीछे दिया ना। तो ज़्यादा किल्स वगैरह नहीं है गाइस इसमें, क्योंकि लॉबी अभी आपको जब मैच एंड होगा तो पता चलेगा कौन से टायर पे हम हैं। तो लॉबी तगड़ी आती है तो उतने किल्स नहीं मिलते, बंदे भी नहीं मिल रहे भाई, तो कहाँ से मार दें हम। जब सारे बंदे कैम कर रहे हैं तो कहाँ से मार दिया जाए। तो जब यहाँ पे सारा कुछ लूट लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ अच्छा चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ आके। मैं बोल देता हूँ अच्छा चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं। तो मैं ये मार्क करता हूँ कि भाई यहाँ से जंप करो पहुँच जाओगे, फिर मैं आ जाता हूँ लूटने के लिए। लूट जरूरी है भाई, अभी वो लोग आ जाएंगे तो कुछ मिलेगा ही ठीक, इसलिए एकदम टाइट होकर लूट लो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो लोग वहाँ से भी नहीं छोड़ पाते, तो मैं बोलता हूँ अच्छा रुको भाई, मैं आया बता रहा हूँ। मैं सोचा यहाँ से भी कुछ ट्रिक लॉन्च कर दूँ, लेकिन यहाँ से कोई ग्लिच ही नहीं दिखा मुझे, तो क्या लॉन्च करूँ मैं। तो उसके बाद बाहर आता हूँ मैं बोलता हूँ अच्छा रुको मैं बताता। तो भाई लोग गाड़ी उड़ी की जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन गाड़ी का पता है क्या, डासिया के थ्रू होता है ठीक है। अगर डासिया है तो डासिया पर चढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो बड़ी वाली जीप है उस पर आप चढ़ नहीं पाएंगे कभी भी। तो यहाँ मैं आता हूँ, फिर कंटिन्यूसली दो बार जंप करता हूँ, जंप करके दो बार बटन दबाता हूँ, ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाता है। और फिर यहाँ पे आने के बाद भाई पूरी स्क्वाड हमारी आ जाती है, और सब लोग लूट उट करते हैं। वैसे पता चलता है एक गाड़ी है, और उस गाड़ी में रहता है एक पाकिस्तानी बंदा, और वही टॉप आर्मी वाला। वो बोलता है भाई मारो मत मारो मत, मैं रैंक पुश कर रहा फलाने धमाके। तो अभी आप लोग सुनना, खुद सुनो क्या बोलता है वो। तो एक गाड़ी जाती थी, मैं शॉट वगैरह ले रहा था बट कुछ रिजल्ट्स नहीं आते। तो यहाँ पे ये लोग कुछ बात कर रहे थे उससे, सब लोग बात कर रहे थे। तो मैं बस यहाँ पे कोशिश कर रहा था क्या सीन है भाई, कैसे क्या समझना है। तो मैं कह रहा हूँ सब लोग बात कर रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं भी और सुनो इसको मत मार। किधर है ब्रो ब्रो नीचे हो तेरे ब्रो, ऊंचा कर रहा हूं इमॉर्टल है, मैं मिल गया ब्रो, हेल्प मी ब्रो हेल्प मी।
Okay, will not kill you. Bro, don't kill, bro. Have some healing. Bro, healing है तेरे पास कुछ? कुछ भी नहीं है भाई मेरे पास. Okay, thank you very much, bro. Bro, thanks a lot, bro. Bro, मारना नहीं यार. एक हेड दूँ क्या? Rank push कर रहा हूँ. सुनो हेलो भाई, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करोगे? बोलो भाई, YouTube चैनल हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करोगे? तो यहाँ प्रमोशन भी हो जाएगा अभी पैरा भाई, हमारा प्रमोशन भी कर देंगे चैनल का. एबीडी गेम प्रमोशन भी जरूरी है. पहले बता, सब्सक्राइब करो. देखन विशाल वहाँ डेंजर वेंजर कर रहे थे और मैं देखता हूँ पता चलता है कर 98 के शॉट आ रहे हैं और उसने हीलिंग वगैरह मांगी. हाँ, सारी लूट उट जो थी उसको दी हमने और उसका रिजल्ट क्या देगा वो देखेगा. यहाँ तक कि साला वो कपड़े भी ले लेगा मेरे अभी. तो यहाँ फोरेक्स के साथ स्नाइपिंग, आपको ही पता है फोरेक्स के साथ एलडी स्नाइपिंग सही नहीं होती है. फोरेक्स स्प्रे देने के लिए ठीक है लेकिन स्नाइपिंग के लिए फिर यहाँ पता है कितना सेकंड, 10-15 सेकंड बचा है. विशाल वहाँ पे नॉक होता है. मैं बोलता हूँ जल्दी पैरा भाई, तुम गाड़ी में आओ, वो लोग दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे. और हमको ये चीज़ नहीं पता था, ये लुगड़ा भी इसमें आके बैठ गया. तो हमको ये चीज़ नहीं पता था कि उस गाड़ी का टायर फूट चुका है. मैं आपके पास ठीक है. अच्छा, और ये कितना बड़ा नूबड़ा था. अभी आपको वीडियो में दिखने वाला है. यकीन मानिए, हम लोगों ने कई बार ऐसा सीन हुआ कि कोई बोला, मतलब इंडिया ने बोला कि रैंक पुश चल रहा है, ऐसा कुछ सीन है, तो उसको नहीं मारते. अब वो फाइनल जोन तक नहीं मारता है. वो फाइनल अगर बच भी गया ना तो बोलता है भाई क्या करना है, पैन फाइट करना है, क्या सीन करना है. लेकिन ये इसका रिजल्ट आपको दिखेगा ही. तो यहाँ पे हम लोग घर पे टोकते हैं, जोन में था ये घर. और उसके बाद भाई साहब बस मौका देख रहे थे किसी पे शॉट लिया जाए. और यहाँ पे गाड़ी आती है तो एक दो बॉडी वॉडी पड़ती है, फिर निकल लेते थे. मेरा गेम बहुत ख़राब हो गया है एक्चुअली. मैं रैंक पुश के चक्कर में स्प्रे वगैरह नहीं दे पाता. अब मतलब कि बोले तो पहले तो बहुत इजी में 1v4 1v3 क्लच मार देता था. अब क्या 1v2 नहीं जल्दी क्लच मार पाता, ये सीन हो रखे हैं. तो गेम काफ़ी ख़राब हो चुका है सेफ खेलने के चक्कर में. देखो, अगर आप सेफ खेलते हो शुरू से तो ठीक है, और अगर आप रश खेलते हो फिर अचानक से सोचते हो कि रैंक पुश करके सेफ खेल के, तो वो चीज़ है भाई. आपका गेम मैं बता रहा हूँ ना, उस तरीके से नहीं हो पाएगा. फिर आपको फिर से प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी कम से कम 15 मिनट की. तो मैं जब रैंक पुश मैंने ख़त्म किया उसके बाद करीब डेली कम से कम 8-9 TDM, उसके बाद ट्रेनिंग रूम में जाके स्प्रे देना. फिर यहाँ पे भाई साहब मैं ये मार रहा था. ये भाई ब्रो आपके कपड़े दे आ रहा, कपड़े मांग रहा था. फिर सुनो क्या बोलते हैं ये, उसके बाद फिर क्या सुनो, ये कपड़े पहन लेगा उसके बाद सुनो. अब मैं भी ब्रो दिखूंगा यार, बंदा देखो तो पहले देख रहा. अच्छी बात है भाई, यहीं पे बैठ गया हूं. मौका मिला था अच्छा काम करने के लिए, तो करने के लिए तैयार थे. और अच्छे काम का रिजल्ट क्या मिलेगा अभी आपको दिखने वाला है. तो पहला भाई मार्क करते हैं बंदे इधर है, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं बहुत डर रहा था कि ऐसा ना हो एक गोल इसको पड़ जाए और बेचारा भाई हम लोग को भरोसा किया उसका भरोसा टूट जाए ऐसा कुछ. अरे यार क्या बंदा भाई, तो भाई ये होता है ठीक है, ये चीज़ होती है. अगर आप किसी भी भरोसा करो और वो उसका रिजल्ट आपको, इसने बोला भाई हम रैंक पुश कर रहे हैं, मैं रैंक पुश कर रहा, मेरे टीममेट्स फिनिश हो गए हैं और प्लीज़ मुझे मारना नहीं ऐसा वैसा ठीक है. हम लोगों ने बोला ठीक है भाई तुम रैंक पुश कर लो, हम लोग नहीं मार रहे तुमको ठीक है. उसके बाद उसको तो अच्छे से भाई साहब
तौल दिया। तो आप देख सकते हैं एस 5 स्टार पे हम लोग हैं और सर यहां पे इस तरह सवाल बताएंगे अपनी लैंग्वेज से और हम लोग ने उसको हीलिंग विलिंग भी सब दी, उसको अपने गाड़ी में बैठा के लेके गए, फिर अपना एक बंदा नॉक हुआ, हीलिंग तो हमने दी उसको, बाद में उसी ने हमारा खून निकाल दिया। धोखा दिया, धोखा। तो आज के लिए बस इतना ही भाई लोग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद भाइयों।